जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। एज यू नो, वी आर शेयरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉलेज एज वेल एज QMS डॉक्यूमेंटेशन नॉलेज थ्रू दिस चैनल। ओके, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जस्ट आई रिमेंबर वी डिस्कस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंप्रेशन मोल्डिंग, सीट मेटल प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस वी हैव कम्प्लीटेड। ओके, also we have completed knowledge of measuring instrument and how to use of measuring instrument in any industries. Okay, so today's topic is also very important, so please keep watch till end. Okay, so जो आज का टॉपिक है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो मैंने टॉपिक लिया है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ओके, हाय फ्रेंड्स, तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे तो जल्दी फिनिश होगा, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो जस्ट ए मोटिवेशनल लाइन फॉर यू, डोंट टॉक जस्ट एक्ट, डोंट से जस्ट सो, एंड डोंट प्रॉमिस जस्ट प्रूफ। ओके, सो बोलने से और बात करने से और प्रॉमिस करने से नहीं होता, एक्ट करना पड़ता है और आपको प्रूफ करना पड़ता है और सो करके दिखाना पड़ता है। ओके, ये आपकी लाइन है। सो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक्ट करें, सो उसको दिखाएं, फिर प्रूफ करें। ओके, सो आज का कंटेंट्स है हमारा, व्हाट इज़ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, वो हम आज लर्न करेंगे। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, जैसा कि आपको बताया कि किसी भी स्टील या किसी भी मटेरियल्स में उसकी डिजायर्ड उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनिशियल स्टेज में वो क्वालिटी, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या वो केमिकल कंपोजिशंस नहीं रहता जो कि हमें रिक्वायरमेंट होता है, तो हम उसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिफाइन साइज द ग्रेन, ग्रेन साइज को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी जो मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज है उसको इम्प्रूव करता है, एलिमिनेट इंटरनल स्ट्रेसेस, इंटरनल जो स्ट्रेसेस होते हैं उनको रिलीज जीरो करता है, एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट गैसेस, चांस द कंपोजिशन ऑफ द सर्फेस ऑफ by diffusion to achieve a desired mechanical, physical and chemical composition properties of the material. Okay, re-softening of the hardness, softening, re-softening का भी काम करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में या ऑलरेडी इनिशियल स्टेज से हार्डनेस हमारे स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा होती है, तो उसको हम re-softening भी कर लेते हैं। उसके लिए मैं बताऊँगा किस प्रोसेस में हम re-softening, brittleness जो होती है उसको रिड्यूस करते हैं। ओके, सो हार्डनेस भी रिड्यूस करते हैं, तो ये सारे प्रोसेस हम देखेंगे। सो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को मैंने डिफाइन किया है कि ये कैसे होता है। आखिर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्यों करते हैं, उसका पर्पज कैसा है, क्या है और कैसे करते हैं। ओके, तो मैं एक लाइन में बताऊंगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का है हीटिंग एंड कूलिंग। ओके, उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से पहले उसको हीट करना है, नॉट मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, एक डिजायर्ड टेम्परेचर तक हीट करके फिर उसको कूल किया जाता है, यही मेथड है। उसके अंदर आप लॉट ऑफ चेंजेज होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, सो हीट ट्रीटमेंट इज डिफाइंड एज ए कम्बाइंड प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटेरियल टू चेंज द फिजिकल एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटेरियल। हीट ट्रीटमेंट इज बींग यूज टू चेंज द माइक्रो स्ट्रक्चर इन सच ए वे टू अचीव द डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टू इन्हेंस देयर वर्क एबिलिटी टू वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करेगा, केमिकल इम्प्रूव करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करेगा, उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर में अगर उसका वर्किंग रिक्वायरमेंट है सो उसको भी उसके सक्षम बनाएगा उसके लिए कि वो हाई टेम्परेचर में भी विदाउट फेल हुए काम कर ले। ओके, सो ये मटेरियल में इतना प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। और इसको मैं दूसरे शब्दों में भी देखा है, आप देख सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मटेरियल विदाउट लेटिंग इट रीच मोल्टेन। ओके, मोल्टेन टेम्परेचर तक नहीं जाना, उससे पहले तक ही करके फिर उसको कूलिंग करते हैं, मोल्टेन और मेल्टिंग स्टेज जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एंड देन कूलिंग द मेटल इन ए कंट्रोल वे टू सेलेक्ट डिजायर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ट्रीटमेंट इज यूज टू आइदर मेटल स्ट्रॉन्गर
or more malleable, more resistant to abrasion or more ductile. Okay, so इसका ये इसका प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने का मेन पर्पज होता है. ओके, उसमें आपका फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, एंड मशीनेबिलिटी भी होता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट पैरामीटर नीड टू बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग प्रोसेस. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन तो आता है ही ट्रीटमेंट से. प्राइवेट सेक्टर में हो, इंटरव्यू में जाओगे तो पक्का पूछेंगे ही ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या है, मेन प्रोसेस में क्या क्या कंट्रोल करना हो. तो पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे दिखाया है क्या क्या पैरामीटर्स करेंगे. अगर आप प्रोसेस इंजीनियर हो, आप प्रोडक्शन इंजीनियर हो, क्वालिटी इंजीनियर हो, तो आपको क्या क्या प्रोसेस कंट्रोल करना है ड्यूरिंग प्रोडक्शन. ओके, सो मेन है एटमोसफियर का क्या है, उसका सरफेस का जो प्लेटिंग है वो, सरफेस डिफ्यूज़न, कूलिंग सिस्टम, हीटिंग, वर्क इनपुट टाइम, ये सारा इम्पोर्टेंट है आपका प्रोसेस पैरामीटर्स सेट करने के लिए. ओके, हीटिंग में आपका फिर ओवन का कूल हीट टेम्परेचर देखेंगे, फिर उसका उसके बाद जो कन्वेयर्स पे लगे होते हैं आपका उसका टेम्परेचर देखेंगे, फिर जो कूलिंग सिस्टम है उसका देखेंगे कि उसका क्या अरेंजमेंट है. ओके, टाइम का भी देखना है, कन्वेयर्स का टाइम कितना है, ज़्यादा स्पीड रहेगा वो भी आपको फेल हो जाएगा फिर, तो कन्वेयर्स का जो टाइमिंग है वो भी परफेक्ट होना चाहिए. सो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस कुछ क्लासिफाइड किया है इसको मैंने ए बी सी तीन कैटेगरी में, उसमें देखते हैं आगे इसको फिर वन बाय वन देखेंगे. कॉमन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अनिलिंग नॉर्मलाइजिंग. ओके, द ट्रीटमेंट यूज टू चेंज द सरफेस प्रॉपर्टीज. सरफेस प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए आपको ये बी सेक्शन जो है वो हम करते हैं. ऊपर का जो सरफेस जो होता है हमारा, ये मान लीजिए सॉफ्ट है, ये अंदर का कोर मटेरियल है, तो ऊपर का जो हम हार्डनेस का लेयर जो भी होगा आपका, उसको इम्प्रूव करने, उसको इंक्रीज करने के लिए, सरफेस हार्डनेस यहाँ बोल रहा है ना, सरफेस हार्डनेस आपको इंक्रीज करना है, तो ये चार प्रोसेस में आप कर सकते हैं. ओके, फिर यहाँ पे द ट्रीटमेंट यूज टू चेंज द फेज स्ट्रक्चर, ये होल पीस का माइक्रो लेवल और प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रहा है. तो यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ सी कैटेगरी है वो ए बी सी. ओके, तो इसको वन बाई वन देखते हैं, उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होगी. सो फर्स्ट अनिलिंग देखते हैं. अनिलिंग क्या है? अनिलिंग मैटेरियल इज बीइंग हीटेड एट द प्रीफिक्स टेम्परेचर, होल्ड फॉर ए सर्टेन टाइम, देन स्टार्ट कूलिंग स्लोली स्लोली एट ए रूम टेम्परेचर. इफ द मेटेरियल इज स्टील, इट्स कैरी आउट बाई हीटिंग द जस्ट एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील. टेम्परेचर विल शुड बी 727 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट एंड अलाउ इट कूल स्लोली. ओके, सो अगर आप स्टील का एनिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि पहले उसको एक डिजायर टेम्परेचर तक हीट या गर्म करना है ओवन में. ओके, वो टेम्परेचर होना चाहिए आपका 727 अप्रोक्सीमेट डिग्री सेल्सियस. उसके बाद कूलिंग करना है. कूलिंग क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे होगा. रूम टेम्परेचर जैसा कि आप जानते हैं 23 डिग्री सेल्सियस के इन्वायरमेंट में हमें कूल करना है. वो आपको डायरेक्ट पानी में नहीं, डायरेक्ट ऑयल में नहीं करना. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं उसका बेनिफिट क्या है. अगर हम एनीलिंग करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती है, ये आप नोट करने वाली चीज़, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है. ये सारे जो इम्पोर्टेंस थिंग्स हैं आपको नोट डाउन करना है, ये आपके इंटरव्यूज़ में, आपके पेपर एग्जाम में काम आएगा. सो एनीलिंग से क्या इम्प्रूव होता है? इम्प्रूव इंक्रीज डक्टिलिटी एंड रिड्यूस हार्डनेस. ओके, इम्प्रूव इंक्रीज डक्टिलिटी, रिड्यूस हार्डनेस एंड रिडक्शन ऑफ डिसोलोकेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल. ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें भी रिडक्शन होता है. ओके, सो तीन चीज़ें यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं. सो नॉर्मलाइजिंग देखते हैं. नॉर्मलाइजिंग क्या है? इट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच द मटेरियल इज बींग हीटेड एवब 9-10 डिग्री सेल्सियस टू कम्प्लीट द ऑस्टेंडाइजेशन. ओके, वंस द मटेरियल रीच ऑस्टेंडाइजेशन स्टेज देन इट कूल्ड द प्रेजेंस ऑफ द एयर टू ऑब्टेन द फाइन पेरलाइट. नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज यूज फॉर द फेरस मटेरियल टू इन्हेंस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो फेरस मटेरियल है उनको इम्प्रूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं. इसमें हमको मिनिमम 9-10 डिग्री सेल्सियस का
टेम्परेचर तक गर्म करना होता है, उसके बाद एयर में कूल करते हैं। और ये ऑस्टेनाइजेशन जो है वो आपने देखा होगा, आयरन कार्बन ग्राफ होता है, उसमें एक स्टेज आती है, ओके, वो स्टेज तक हमें गर्म करना है, उसके बाद फिर स्लोली स्लोली एयर में ठंडा करना है, ओके। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है, इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल, इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, इनहेंस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ तीन बेनिफिट्स होते हैं, अगर आपको डक्टिलिटी इम्प्रूव करना है, हार्डनेस इंक्रीज करना है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करना है, तो फेरस मेटेरियल में हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करेंगे, ओके। कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग जैसा कि आप जानते हैं केस हार्डनिंग प्रोसेस है, और इस पे हम किसी भी सॉफ्ट का ऊपर के एक स्पेसिफाइड लेयर की हार्डनेस या केमिकल कंपोजिशन या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि वियर एंड टियर ना हो, ओके। ये मैक्सिमम आप देखेंगे तो इंजन पार्ट्स में लगते हैं जहाँ आपका रोटेशनल वर्क होता है, ओके। सो कार्बराइजिंग सरफेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज़ परफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हार्डनेस, ओके, वियर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। एज द नेम इम्प्लाइज, देयर इज एडिशन ऑफ कार्बन एट सरफेस ऑफ मेटल, स्पेशली लो कार्बन स्टील इन द पेटोमाइट टेम्परेचर। इट ऑल्सो कॉल्स केस हार्डनिंग प्रोसेस वेन द मेटेरियल इज बींग हीटेड एट इट हाई टेम्परेचर इन द हाई कार्बन एनवायरमेंट अलाउ फॉर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली इन टू द सरफेस पार्ट। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस हैज़ टू बी परफॉर्म, द अमाउंट ऑफ कार्बन हैड द गेट डिफ्यूज इन टू द मेटल सर्फेस डिपेंड ऑन द कार्बन पोटेंशियल ऑफ एटमोसफियर हीटिंग टेम्परेचर। इसका यही मीनिंग है कि इसमें हम कोई भी सॉफ्ट है एक डिजायर टेम्परेचर तक उसको ओवन में गर्म करेंगे, फिर कार्बन का उस पे उसके लेयर्स पे वो करेंगे स्प्रे या जो भी है आप कह सकते हैं, उसको कैसे भी उसके लेयर्स पे हमें कार्बन की मात्रा डालना है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन की परसेंटेज से हार्डनेस इंक्रीज होती है मेटल में, ओके, जितना ज़्यादा हार्डनेस बढ़ाना है हमको तो कार्बन की परसेंटेज हम इंक्रीज करते हैं। तो किसी भी सॉफ्ट पे, माना कि ये सॉफ्ट है, अब इसका हमें ऊपर की लेयर मान लीजिए ये 0.5 mm की थिकनेस को की प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करना है, तो हम किसी भी ओवन में डालेंगे, उसमें कार्बन की फुहार करेंगे और फिर उसको डिजायर टेम्परेचर तक ले जाएंगे, फिर उसको स्लोली स्लोली कूल करेंगे। सो कार्बराइजिंग को हम केस हार्डनिंग भी कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता है हम उसके ओनली केस को केस के एरिया को हार्डनेस को और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करते हैं। ये मैंने बनाया, अंदर की प्रॉपर्टीज सेम रहती है एज ए रॉ मटेरियल, ओके। तो उसका बेनिफिट क्या होता है वो देखते हैं। इंक्रीज द सरफेस हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, हार्डनेस जो सरफेस की हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस एंड फटिक स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंस इम्प्रूव होता है, फटिक स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होता है। डक्टिलिटी एंड टफनेस मटेरियल्स इन्हेंस, वो भी इम्प्रूव होता है, ओके। तो यहाँ तीन बेनिफिट हमने देखा कार्बराइजिंग या केस हार्डनिंग का, ओके। नेक्स्ट है नाइट्राइडिंग, इट इज़ ऑल्सो ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एज द नेम इम्पाइल द नाइट्रोजन एड एट द सर्फेस ऑफ द मेटेरियल स्पेशली इन स्टील। इन प्रोसेस ऑफ नाइट्राइडिंग द मेटेरियल पार्ट इज बींग हीटेड अप टू 600 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ गैस एंड डिसोसिएटेड अमोनिया एंड हार्डनिंग इज अचीव्ड बाई द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया सर्फेस एंड मेटल पार्ट, ओके। इन द गैस प्रोसेस इज डिसोसिएटेड अमोनिया एक्ट द सोर्स फेयर इन केस ऑफ प्लाज्मा नाइट्रोजन आई रिफ्यूज इन टू सर्फेस ऑफ मेटेरियल। गैस नाइट्राइडिंग क्वेंचिंग प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड डेवलप हार्ड केस मेटेरियल पार्ट। जैसा कि यहाँ देखा आपने कि नाइट्राइडिंग में भी ये भी एक केस हार्डनिंग का ही प्रोसेस है, इसमें भी इंक्रीज करते हैं हम। सो इसमें क्या हम करते हैं कि 600 तक टेम्परेचर तक ला के पार्ट्स को उसके ऊपर अमोनिया की बौछार कराते हैं, तो उससे हमारा फटीक स्ट्रेंथ है, वियर क्रोजन रेजिस्टेंस है, वो इम्प्रूव होता है। तो जहाँ पे इस टाइप का फंक्शन होता है तो हम नाइट्राइडिंग प्रोसेस यूज करते हैं, ओके। सो नाइट्राइडिंग में देखिए फटीक लाइफ जो है इंक्रीज हो रही है, वियर एंड रेजिस्टेंस और कोरोजन प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो रही है, कोरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो रहा है, ओके। हाई हार्डनेस कैन बी अचीव इन कवरेज, हार्डनेस भी इंप्रूव होती है, ओके।
एंड नो नीड फॉर क्वेंचिंग, इसके लिए क्वेंचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे नाइट्रेटिंग प्रोसेस के बेनिफिट्स भी दिखाया गया है, यहाँ पे नाइट्रेटिंग प्रोसेस होता क्या है वो आप एक बार देख सकते हैं। एक होता है कार्बोनाइट्रेटिंग, जैसा कि नाम से ही पता है कार्बोनाइट्रेटिंग प्रोसेस इज परफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस ए हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस के, जहाँ ज़्यादा हार्ड और वियर रेजिस्टेंस का होता है वहाँ पे हम कार्बोनाइट्रेटिंग का यूज करते हैं। एज द नेम इम्प्लाइज दैट बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ओके इसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों को हम टेम्परेचर पे लगा, जैसे उसमें हमने बोला नाइट्रेटिंग में अमोनिया को करते और उससे पहले हमने केस कार्बनाइजिंग में हमने कार्बन की फुहार की, तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को हम करते हैं। ओके इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कार्बनाइजिंग का जो केस होता है ना, केस मैंने बोला था केस जो हम इंक्रीज केस की थिकनेस बोल सकते हैं आप, सो उसमें हम कार्बनाइजिंग में 0.5 से 0.8% कार्बन एंड इसमें 0.2 से 0.4%। ओके सो ये इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। हाई सरफेस हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज फटीग लाइफ बाय 30 to 100%। ओके फटीग लाइफ में ज़्यादा इसका यूज है, गुड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, जहाँ ज़्यादा हाई टेम्परेचर का काम होता है वहाँ हम कार्बोनाइट्रेटिंग प्रोसेस यूज करते हैं। इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड पॉइंट ऑल्सो। ओके टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है वो और उसका यील्ड पॉइंट्स का भी इम्प्रूव करता है। नाइट्रोकार्बोनाइजिंग ये भी आपका केस हार्डनिंग का ही प्रोसेस है और इसमें भी हम हीट ट्रीटमेंट्स करके उसका प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड केस हार्डनिंग प्रोसेस एंड यूज टू प्रोड्यूस ए हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंस सरफेस ऑन द लो ग्रेड ऑफ स्टील। ओके जो लो ग्रेड ऑफ स्टील होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं फेरेटिक नाइट्रोकार्बन डिफ्यूज नाइट्रोजन एंड कार्बन, जैसा कि इसमें भी नाम से पता है ये भी सेम सिमिलर जो प्रीवियस हमने देखा उसी के टाइप का है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और कार्बन का फुहार करके स्प्रे करके और फिर उसमें टेम्परेचर जो मेंटेन करेंगे उससे 650 तक टेम्परेचर भी रहेगा और उसके साथ इनका कंपोजिशन भी डालेंगे, फिर उसके ऊपर जो लेवल होता है वो इंक्रीज होगा। जैसा कि यहाँ एट दिस टेम्परेचर द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वर्क पीस एट द मर्क्यूरी मटेरियल डज ना कन्वर्ट इनटू ऑस्टेनिटिक फेज। ओके इट्स इन द फेराइट फेज दैट्स वाई इज कॉल्ड एज फेराइट नाइट्रोकार्बन। ओके फेराइटिक स्टेज जो होता है फेराइटिक स्टेज, अगर आप आयरन कार्बन वो पढ़ेंगे ग्राफ तो उसमें आपको समझ में आएगा, उसमें जो स्टेजेज होते हैं वो आप देखेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ सरफेस स्टील, इंक्रीज वियर एंड रेजिस्टेंस वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, इसके बेनिफिट्स हैं। फिर देखते हैं हार्डनेस, स्टील आर हीटेड टू देयर हार्डनिंग है, हार्डनिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, हार्डनिंग प्रोसेस मैक्सिमम कंपनीज में यूज किया जाता है और ये थ्रू हार्ड होता है। ओके सो हार्डनिंग का डिफिनीशन देखते हैं, हार्डनेस आर स्टील आर हीटेड टू देयर अप्रोप्रिएट हार्डनिंग टेम्परेचर यूजली बिटवीन 800 to 900 डिग्री सेल्सियस हीट एट टेम्परेचर, देन क्विंच इमीडिएट उसको क्विंचिंग कर देते हैं रैपिडली कूल्ड ऑफ्टन इन ऑयल या वाटर। हार्डनिंग करके उसको स्लोली में इमीडिएट हम इसको किसी भी क्विंचिंग मीडियम में हम इसको या ऑयल यूज कर सकते हैं वाटर यूज कर सकते हैं या एयर यूज कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट हम इसको यूज उसमें करेंगे कूल करेंगे। ओके इसका बेनिफिट क्या होता है, हार्डनेस इंक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और ब्रिटलनेस इंक्रीज होती है। ओके टेम्परिंग क्या होता है, हार्डनिंग प्रोसेस में कभी कभी क्या होता है कि हार्डनेस ब्रिटलनेस जो होता है वो आपका इम्प्रूव ज़्यादा हो जाता है, हमारे इस डिजायर्ड जो हमारी स्पेसिफिकेशन है उससे ज़्यादा हो जाता है, सो उस कभी कभी उसको फिर अचीव अपने स्पेसिफिकेशन के लिमिट में लाने के लिए हम टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं, उसमें हम रिड्यूस हार्डनेस को रिड्यूस करते हैं और टफनेस को इंक्रीज करते हैं। ओके सो डिफिनेशन देख लीजिए, व्हेन द स्टील इज बीइंग हीटेड इट्स प्रॉपर्टी गेट्स सच
change such a hardness and brittle increase, okay, that is more important for the practical application. So when the material heated is expanded on the cooling in safe sink during metal cooling, internal stress are set up, so metal is tempered. Once the hardness is done, the metal surface relief the internal stresses, okay, internal stress ko relief karne ke bhi ye kiya jata hai process, okay. So आपने यहाँ देख ही लिया डिफिनीसन है और मेन मैंने जो बताया टेम्परिंग प्रोसेस माइंड में आपको रखना है. कभी कभी हमारी हार्डनेस बढ़ जाती है, हमारी विटलेनेस जो है वो बढ़ जाती, टफनेस कम हो जाती, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं जिससे कि वो हार्डनेस रिलीफ होती है. इंटरनल रिलेस माइक्रो स्ट्रक्चर या इंटरनल जो यहाँ पर अपने स्ट्रेसेस हैं वो इम्प्रूव करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं. इंडक्शन हार्डनिंग ये भी एक केस हार्डनिंग का ही प्रोसेस है, तो इसको देखते हैं. इंडक्शन हार्डनिंग इज प्रोसेस ऑफ सरफेस ट्रीटमेंट यूज टू हार्डनिंग द सरफेस ऑफ स्टील एंड एलॉय कंपोनेंट्स, ओके. मेटल पार्ट्स आर प्लेस्ड इन साइड द वाटर कूल्ड कॉपर आयल. इसमें वाटर कूल्ड कॉपर आयल यूज करते हैं. द कॉपर क्वाइल, कॉपर क्वाइल इज कनेक्टेड टू द अल्टरनेटिंग करंट, ओके. अल्टरनेटिंग करंट करंट से कॉपर कॉयल कनेक्ट होती है. करंट इज सप्लाइड इनटू कॉपर कॉयल एंड द मेटल पार्ट इज बीइंग हीटेड अबव ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, ओके. इन दिस प्रोसेस द कोर पार्ट ऑफ द मेटल स्टे इन अनअफेक्टेड टू द हीट. पार्ट इज कीप्ड इनसाइड द वाटर कूल्ड कॉपर कॉयल अंटिल इज डिजायर्ड डेप्थ ऑफ हार्डनेस. जितना डेप्थ तक कि हमें अचीव ना हो जाए तब तक हमें करते रहना है. उसके बाद हैज बीन अचीव. वंस द हार्डनेस इज अचीव इट देन क्वेंच इन द ऑयल और सम अदर मीडिया डिपेंडिंग अपॉन द मेटल ऑफ द हार्डनेस रिक्वायर्ड, ओके. जब हो जाए तो उसके बाद इमीडिएट हमें उसको कूल करना है, ओके. इंडक्शन हार्डनिंग का मतलब यही होता है कि इसमें कॉपर कॉयल यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए. और इंडक्शन हार्डनिंग का वही है उसकी ये सरफेस ट्रीटमेंट या केस हार्डनिंग के प्रोसेस के अंतर्गत आता है. इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इंक्रीज वाटर रेजिस्टेंस, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फटीग लाइफ ड्यू टू द सॉफ्ट कोर, ओके. डीप केस डेप्थ एंड टफ कोर. केस डेप्थ जो मैंने बताया था इसको केस डेप्थ कहते हैं. जहाँ डीप करना होता है वहाँ हम इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं, ओके. एक कार्बोराइजिंग में हमें मिल जाता है, जैसे ये मैंने लिखा है ना, 0.7 से 3 mm तक हमें कार्बोराइजिंग में मिल जाता है केस डेप्थ. लेकिन जब उससे भी ज़्यादा कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो हम इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं. सबसे मेन आपको अगर कोई पूछे कि इंडक्शन हार्डनिंग और कार्बोराइजिंग में क्या डिफरेंस है तो आप इजीली बता सकते हैं. फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि वो मैनुअल प्रोसेस है और इसमें आपका कॉपर कॉयल यूज होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी यूज होता है. सेकंड, उसको कम केस डेप्थ, अगर 0.7 से 3 mm तक का केस डेप्थ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम कार्बोराइजिंग करते हैं, और जहाँ पे इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इंडक्शन हार्डनिंग का यूज करते हैं. ये इम्पोर्टेंट है. यो अप टू 12 mm तक, 12.5 mm तक का हम केस डेप्थ की प्रॉपर्टीज इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके, इंडक्शन हार्डनिंग के थ्रू, जो कि इंचेज में हाफ इंच हुआ, ओके. 12.5 या उससे ज़्यादा तक की हम केस डेप्थ की प्रॉपर्टीज इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके. सो इट्स क्लियर, ओके, नो इशू. आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब देखते हैं कि एक कोई पूछे कि हीट ट्रीटमेंट्स का क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, तो आप क्या बताओगे? माइंड में एक फिगर होना चाहिए कि कोई इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे तो हमें एक लाइन में हम बता सकें कि कैसे कैसे होता है, ओके. सो उसमें आपका कोई भी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जो मेन की प्रोसेस फ्लो डाइग्राम है वो मैंने आपको शेयर किया है, वो आप देख सकते हैं. कोई भी स्टील का, कोई भी रॉ मटेरियल का हम हीट ट्रीटमेंट पहले करने से पहले उसको क्लीनिंग करेंगे, प्री वॉश करेंगे, फिर उसको डीफॉस्फेटिंग सिस्टम करेंगे, देन स्प्रे स्ट्राइन, ओके. उसके बाद हम उसको ओवन में जाएगा, लोड करेंगे हीटिंग के लिए. पहले प्री हीटिंग होगा, फिर सॉक एंड डिफ्यूज़न होगा, फिर प्री कूलिंग, ओके. फिर उसको क्वेंचिंग में जानेंगे, क्वेंचिंग कूलिंग पोस्ट वॉश, ओके.
कूलिंग सिस्टम को क्विक क्वेंचिंग बोलते हैं एक्चुअली में, और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, वाटर, एयर या ऑयल कुछ भी हो सकता है। सो क्वेंचिंग के बाद हम फिर टेम्परिंग सरफेस कोटिंग, अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर सरफेस कोटिंग भी करेंगे। ओके, सो ये अगर कोई आपसे पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है। सो दोस्तों, आई होप आप लोग को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिले, और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।